close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. सो गाइज अभी हम आए हैं फॉरेस्टा में और मैं आपको ये फॉरेस्टा के बारे में सारी चीज़ें दिखाऊंगी और पूरी वीडियोस भी यहाँ के बनाऊंगी आपकी फॉरेस्टा के लिए और आप बने रहिए इस ब्लॉग में एंड एंजॉय करिए दिस रेस्टोरेंट एंड माय बर्थडे आल्सो. सो गाइज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये एक न्यूली ओपेंड रेस्टोरेंट एंड कैफ़े है और ये जो है पूरा वुड्स एंड पूरा फॉरेस्ट से वो है पूरा साइड से आप देख पा रहे होंगे पूरा कवर्ड है, इसीलिए इसका नाम भी सजेस्ट किया गया है फॉरेस्टा. सो अभी इट्स इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है एंड इट्स ट्रेंडिंग ओके इन गूगल ऑल्सो. यू कैन सी द रेटिंग्स एंड रिव्यूज़. आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेस टू विजिट हेयर. और आप लोग जैसे कि देख पाएंगे कि ये पूरा सिटी से पूरा आपका ये हसल बसल से बहुत ज़्यादा बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं आजकल की लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इतना लाइक सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा हल्ला है. तो ये थोड़ा साइड में है एंड जो कि बहुत अच्छा लुक दे रहा है और यहाँ का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है. पार्किंग एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज है, आपको पार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बहुत बेस्ट पार्किंग है, बहुत अच्छे से अवेलेबल है एंड आपको यहाँ पे पूरी ब्यूटी नज़र आएगी. आप जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं ऑल इज जस्ट वाइट, इन्होंने वाइट पूरा प्रॉपर एक थीम रखी है जो कि वो बहुत ज़्यादा नेचर के बीच में हाईलाइट हो रही है, बिकॉज आपको पता है लाइक ये सारा ग्रीनरी है एंड जो पार्ट है वो वाइट है. सो वो एकदम इट्स लाइक कि चार चांद लगा रहा है प्लेस में. आप देखेंगे कि यहाँ का फूड जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. लाइक हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होगा वो होगा, बट ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा यूनिक है. लाइक आप लोग को ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए जल्दी से और वो उनको लगे कि ये अच्छा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, वो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है. बहुत ज़्यादा वेजीज़ हैं यहाँ पर जो वेराइटीज़ में है, कोई भी आप वेराइटी लेते हैं उसमें वेजीज़ बहुत ज़्यादा है, लाइक सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा है. तो इज़ गुड फॉर हेल्थ की अच्छी बात है, सब्ज़ियाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप देख पा रहे हैं इस साइड टू व्हीलर की पार्किंग है, तो पूरा टू व्हीलर की पार्किंग है एंड ग्रीनरी देखिए, लुक एट द ग्रीनरी. ये तो नेचर है, तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हम सबको इस नेचर के बीच में एक प्लेस मिल रहा है और आप इन्जॉय कर पा रहे हैं इस प्लेस को. बिकॉज ऑलमोस्ट पीपल ऐसे होते हैं जिनको ग्रीनरी का ज़्यादा शौक़ होता है आजकल के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा. और आप देख पा रहे हैं कितना वाइडली कितना ब्यूटी लग रहा है एकदम. सो लाइक इसी तरीके से और जो इसका इंटीरियर है, जो बाहर का भी डेकोरेशन है और बाहर पे भी जो मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है, दैट्स इट्स फंटेस्टिक. बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो सारा मटेरियल, इट्स लाइक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. सो वो बहुत मटेरियल की अगर आप देखें, आप फोटोग्राफी के लिए देखें चाहे कैसे भी, तो मटेरियल इज़ वेरी नाइस. अंदर से इनर पार्ट में आप देखें, इनर पार्ट में तो पूरा मटेरियल इज़ बेस्ट, बट आउटर पार्ट इज़ आल्सो डेकोरेटेड विद दैट मटेरियल, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट पार्ट है यहाँ पे. मेनली जब लाइक मैंने भी फॉरेस्टा नाम सुना है, समथिंग यूनिक, बिकॉज फॉरेस्टा इज़ लाइक फॉरेस्ट से रिलेटेड ही होगा, राइट. बट द ट्रीटमेंट दे गिव, द रिस्पेक्ट दे गिव, द फूड दे गिव,
वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। देखिए फूड तो हर जगह मिल रहा है बट विद द लॉट ऑफ वेजीज, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट है कि हमें वेजीज लाइक हमें डेली रूटीन में लेनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं डेकोरेशन, आप देखिए लाइक ये देखिए समथिंग यूनिक, ये रेयर ऑफ रेयर होता है कि इस टाइप का डेकोरेशन हम सबको मिले। लाइक इसमें आउटर में भी बैठने का है, इनर में भी सिटिंग अरेंजमेंट फुल्ली है एंड थीम इज़ वाइट, तो सिटिंग अरेंजमेंट भी लाइक वाइट ही है एंड ग्रीनरी फुल ग्रीनरी के साथ पूरा ऊपर प्रॉपर वाइट आप देख पा रहे होंगे। और जो अभी इट्स ए स्टार्टिंग राइट, अभी इसमें और ज़्यादा यू विल सी कि बहुत ज़्यादा बन रहा है एंड फॉर द फ्यूचर तो ये बहुत ज़्यादा इट्स गोइंग इन अ ट्रेंड, लाइक ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड करेगा। आप देख लोकेटेड कि कितना ज़्यादा ये खूबसूरत नज़र आ रहा है। सो नीचे का पार्ट जो मैं दिखा रही हूँ ये वाला प्रॉपर भी बनेगा, बट जो बन चुका है इट्स अ वेरी बिग थिंग, और जो अभी बनने वाला है इट्स गोइंग ऑन ट्रेंडिंग लाइक आई एम सेइंग, वही सेम चीज़ है। फूड जैसे कि मैंने बताया समथिंग डिफरेंट होगा बट वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा गोइंग टू बी लव। आप देखिए ये लुक एट इट, ये इनर का आप इंटीरियर देखिए, द सर्विस प्रोवाइडर द आप प्रॉपर देखिए, पूरी अच्छे से सर्विसिंग है और कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को बिल्कुल भी। यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ फूड कि वो कब आएगा और लाइक कोई आप लोग को सर्विसिंग अच्छी नहीं दे रहा है, लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है प्रॉपर। आप अगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको बाहर ही सिट करना हो, इफ़ यू वॉन्ट टू सिट इफ़ यू वॉन्ट टू पार्टी, सो लाइक कि मैं यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ, इट्स माई बर्थडे सो जस्ट आई एम सेलिब्रेटिंग। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनका, हैप्पी बर्थडे टू यू मे। सो आई एंजॉयड माई बर्थडे, आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे विजिट वंस। ओके बाय बाय।